आज मैंने कल्पतरु संस्थान की ओर से पौधारोपण किया है। मैं इस संस्थान को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी कि जिन्होंने एक अहम मुद्दा हाथ में लिया है, जो आज की युग की ज़रूरत है। और पौधा लगाने हम सब की एक ज़रूरत है कि हर गांव में हर जगह पौधा लगे और उस पौधे को हम बड़ा करें। ऐसा नहीं है पौधा लगाए और काट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। और जिस पौधे को हम लगाते हैं तो उसको बड़ा भी करें। और पर्यावरण बचाने के लिए पौधे बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे जीवन के अंदर कहीं भी अगर हम पेड़ लगे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा करें, रक्षा करें। हम लोगों को ये संदेश दें कि पेड़ पौधे नहीं कटने चाहिए। हमारा जंगल है, हमारा ये वातावरण है, सारा हरा भरा हो। और सारा हरा भरा रहेगा तभी हम सबको खुशहाली मिलेगी, अच्छी सांस लेने को मिलेगी। और सारे पेड़ पौधे अगर काट दिए जाएंगे तो हम सब असुरक्षित हो जाएंगे। हम हमेशा जहाँ भी जाते हैं तो ये सोचते हैं कि सबसे अपील भी करते हैं हर गांव में और हर स्कूल के अंदर है, जो भी गवर्नमेंट की संस्था है, प्राइवेट संस्था है, हर जगह हम पौधा लगाते हैं। और लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव के अंदर पौधे लगे। और उस गांव को दूर से लोग देख रहे हैं कि उस फलानी ग्राम पंचायत में इतने पौधे लगे हुए हैं। और मेरे भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है माई ग्रीन राजस्थान के तहत, तो हमने खूब सारे पौधे लगाए हैं और भोपालगढ़ में भी खूब सारे पौधे लगे हैं। दूर से लोग देखने आए हैं मेरी विधानसभा में, ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधा लगा के उसको एक अच्छा हरियाणा राजस्थान की तरह। कल्पतरु संस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी कि आप ऐसे ही आगे पौधा लगाते रहें। हम आपके साथ हैं, जो भी आप जहाँ पौधे लगाएंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भविष्य की प्लानिंग है कि गाँवों के अंदर अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो, बच्चियाँ पढ़े, शिक्षा बच्चियों को मिले और हर बच्ची को पौधा दे के हम विदा करें और गाँव के अंदर अच्छा विकास हो और किसी तरह की कोई कमी नहीं है।